तो इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ फुल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आयोटा क्लासेस एंड कैसे आपका जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो कैसे आपकी क्लासेस रीशेड्यूल हुई है, किसको किस टाइम पे आना है, सभी कुछ इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी आपको इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। तो जिसको जो डाउट्स हो वो ज़रूर इस वीडियो को देखें और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा दे ताकि कोई कन्फ्यूजन जो अराइज हो रही है वो इस वीडियो के थ्रू सारी सारी क्लियर हो जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आयोटा क्लासेस एक ब्रांड नेम है जो मोतिहारी में एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए और विद बेस्ट रिजल्ट्स, जिसमें आपको बोर्ड से लेके कंपटीशन से लेके आपको एक क्वालिटी लेवल का पढ़ाई कराया जाता है और ये क्वालिटी आप कोटा या पटना जाके आप जो मिलेगा उस लेवल का आपको मिलेगा, क्योंकि यहां पे हम थ्योरी साथ ही साथ उसके साथ हर चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल उसके स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़, मैंने एक PPT बना के आपको प्रोवाइड किया है, तो इस PPT में आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमें कि आपको क्या डाउट्स हैं, ताकि हम उस डाउट्स को उसी मोमेंट पे क्लियर कर पाएँ। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़, इसकी जो फैकल्टी टीम है IIT एंड NIT की है, जिसमें हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी ना, ये चारों सब्जेक्ट्स एक ही साथ एक ही छत के नीचे प्रोवाइड करेंगे। अगर आपका टारगेट है IIT NIT और बोर्ड्स साथ ही साथ निकालना 11th 12th के साथ, और फाउंडेशन अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आयोटा क्लासेस इज द बेस्ट ऑप्शन, जिसमें आपको पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड टीम ऑफ फैकल्टी मिलेगा, जिसमें मैं मनीष शर्मा, अर्शद जमाल एंड पुष्पक जायसवाल हम मिलके आपको एक पूरा इंटेंसिव जो आपको पढ़ाई करानी है वो हम आपको कराएंगे, जिसमें आप को कोई भी 0% है ना चांसेस का डाउट होगा अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं। हमारा एक्सपीरियंस काउंट होता है 2-9 years ऑफ टीचिंग, जिसमें आपको जैसे आप क्लास करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। अगर आप डेमो क्लास लेना चाहें तो इस YouTube चैनल पे आपको ना पूरा वीडियोस मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। आप कोई चैप्टर अगर ना देखना चाहें उसका आपको पूरा वीडियो मिलेगा, और हमारे पास आउट स्टूडेंट से आप ज़रूर पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि हम कैसा आपको पढ़ाते हैं। तो हमारे बारे में कुछ अगर जानना हो या तो हमारे सेंटर पे आइए, जो नियर लाल बंगला चंदमारी मोतिहारी बिहार है ना, यहाँ पे लोकेटेड है। जैसे आप चंदमारी में आएंगे आयोटा क्लासेस करके पूछेंगे आपको पता चल जाएगा लाल बंगला के सामने ही है। कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने गिवन है 9162803230, ये अर्शद जमाल का नंबर है और मेरा नंबर है 9973377907 करके। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, और यही हमारे व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप व्हाट्सएप से भी अगर कुछ डाउट पूछना चाहें इन नंबर्स पे ज़रूर कॉन्टैक्ट करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा मेन है ना जो इंट्रोडक्शन है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, हम बात करने कि आयोटा क्लासेस क्यों, व्हाई आयोटा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। तो सबसे मेन जो चीज़ है जो आपको कंपटीशन माइंड में ध्यान रखनी है वो है कि पूरा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाए, और कंप्लीट बस थ्योरेटिकली नहीं, उसी के साथ साथ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से भी कंप्लीट हो जाए। तो आयोटा में आपको पूरा का पूरा सिलेबस टाइमली कंप्लीट कराया जाता है। नेक्स्ट है, हर चैप्टर वाइज आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको लेट्स से शीट भी होगा, क्वेश्चन सेट भी होगा। उन स्टडी मटेरियल की खासियत यह है कि उनमें क्वेश्चन बैंक के फॉर्म में मिलेगा आपको। हर चैप्टर वाइज आपको है ना इजी लेवल से लेके लो लेवल से लेके टफ लेवल से लेके ऐसे करते करते एडवांस लेवल तक जाते हुए, और कैसे कैसे उस चैप्टर में आपको कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में पूरा डिटेल है ना क्वेश्चंस मिलेंगे, और उन क्वेश्चंस को साथ साथ में डिस्कस भी कराया जाएगा। नेक्स्ट है, मंथली टेस्ट सिस्टम रखा गया है और ये चले आ रहा है फॉर बोर्ड्स एंड कंपटीशन। अगर आप बोर्ड्स और कंपटीशन अलग अलग है ना संडे का डेट अलॉट किया जाता है, हर आपका मंथ का जो एंड लास्ट संडे होता है उसमें आपको
टेस्ट होता है, टेस्ट रखा जाता है, एक बोर्ड्स के लिए होता है और एक अल्टरनेटिव संडे करते हुए आपका कंपटीशन के लिए होता है। तो जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा, बस थ्योरी पढ़ने से काम नहीं होगा ना, आपको कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, बोर्ड्स में कैसे आंसर्स लिखे हैं, क्योंकि जैसे ही वो क्वेश्चन हम चेक करते हैं, उसका हम डिस्कस करते हैं, तो हम बताते भी हैं कि इस तरह से अगर आप आंसर करेंगे तो आपको ज़्यादा है ना मार्क्स स्कोर होगा, टाइम बचेगा। तो वो सब चीज़ें क्लास में है ना जैसे जैसे बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसी के साथ ये सब चीज़ें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर क्लियर आउट कर दी जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करेंगे, तो रिज़ल्ट के मामले में हम बेस्ट हैं ना, क्योंकि हम यहाँ पे बस स्टूडेंट्स को ये फोकस नहीं करते कि ख़त्म करा दो सिलेबस, डैट्स इट। हम सोचते हैं कि कैसे वो स्टूडेंट्स बेस्ट रिजल्ट्स ला पाएँ। तो हमारे यहाँ से आपके मेंस क्वालिफाई होते हैं बच्चे, नीट क्वालिफाई करते हैं, एज वेल एज बोर्ड्स में अच्छे परसेंटाइल लेके आते हैं, हर साल हर साल हमारे रिजल्ट्स शानदार होते हैं। तो आप अगर आएंगे सेंटर पे आपको है ना ये इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है ऑनलाइन प्रैक्टिस सॉल्विंग सेशन। तो हम लोग आपको ऑनलाइन के थ्रू, आपको जैसे यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल के थ्रू हम इस लॉकडाउन में जैसे आपको पूरा स्टडी कराए, हर चैप्टर वाइज पूरा डिटेल कराए, आपको है ना एक डाउट भी नहीं हुआ होगा आई गेस, जितने हम चैप्टर पे पूरा डिस्कशन किए हैं, जिसमें अभी तक नाना करके 10th का तो मैंने 80% सिलेबस कंप्लीट कर दिया मैथ्स फिजिक्स का, और उसी तरह से 11th का भी हमने कुछ मेन चैप्टर्स जो बेसिक चैप्टर थे आपके बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के अंदर 10 चैप्टर, उसके बाद यूनिट डायमेंशन वेक्टर, ये सब पे हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्विंग से लेके थ्योरी तक पूरा डिटेल में बताया गया है। तो जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए बहुत एक एडवांटेज रहा है। और 12th का फिजिक्स एंड मैथ का हमने 50-60% सिलेबस आराम से ख़त्म कर लिया। अब जो बच्चे कोचिंग में आएंगे तो उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर से सिलेबस स्टार्टिंग से होगा। जिन बच्चों ने ऑनलाइन किया उनके लिए तो एडवांटेज रहेगा ही, पर जिन बच्चों ने क्लास मिस किया कोई भी रीजंस के कारण, नेटवर्क इश्यूज हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो उनको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए अब ऑफलाइन कोचिंग खुलने स्टार्ट होने वाला है। तो स्टार्ट होगा तो आपको स्टार्टिंग से सारा कुछ सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे और पूरा सिलेबस आपको टाइमली कंप्लीट करके दिया जाएगा। यूट्यूब में आपने देखा है कैसे आराम से एक घंटे का लेक्चर करते हुए हमने आराम से सिलेबस कंप्लीट किया, उसी तरह से एक एक घंटे का आपको डेली का टाइमिंग अलॉट किया गया, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम मिलेगा वो यहाँ पे आपको इस PPT के थ्रू पूरा प्रोवाइड हो जाएगा। तो उसमें आपको पूरा का पूरा टाइमिंग के साथ है ना डिटेल बता दिया गया है। तो एक एक घंटे का डेली हम क्लास लेंगे तीनों सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जिसके थ्रू आप आराम से बिना टेंशन के डेली आएंगे, क्लास करेंगे और आराम से घर जाएंगे, क्वेश्चंस होमवर्क के तौर पे दिए जाएंगे, आप घर पे स्टडी करेंगे तो बोर्ड भी अच्छा होगा, कंपटीशन भी क्रैक होगा, उसका आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आप बस फोकस करें, अब रिलैक्स माइंडसेट से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। आप अब टेंशन में ना आए कि क्या होगा, लॉकडाउन खुल रहा है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को साइड रखो और क्लास करो। हफ्ते में 6 दिन क्लास होगा, मंडे टू सैटरडे, संडे क्लोज रहेगा। तो अगर 6 दिन एक एक घंटे का भी डेली क्लास कराया जाए तो विदिन 6 मंथ्स आपका पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा। और लॉकडाउन को देखते हुए गवर्नमेंट ज़रूर से एग्ज़ाम रीशेड्यूल करेगा है ना, उस एग्ज़ाम्स को 2-3 महीने आगे ज़रूर शिफ्ट करेगा, और जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उस रिड्यूस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, आपको इसका टेंशन नहीं लेना है। और जो अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें उनको यहाँ पे ऑनलाइन यूट्यूब में डेली हम फिजिक्स मैथ का क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन रखेंगे, जिसका आपको आगे इन्फॉर्मेशन अगले वीडियो में ज़रूर दिया जाएगा। तो ज़रूर से अटैच रहें इस चैनल के साथ और हमें देखते रहें। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो इस यूट्यूब चैनल आयोटा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन को, जो एक ऑफिशियल चैनल है फॉर आयोटा क्लासेस, तो इसे आप
सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लें ताकि ऐसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिलती रहें। अब आते हैं कुछ और फीचर्स के बारे में जो इस, है ना, अगर हम बात करें इस आयोटा में बहुत सारे फीचर्स हैं ना। एक वेल डेकोरम आपको मिलेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। यहाँ पे एक क्लास की स्ट्रेंथ 30-40 स्टूडेंट्स होती है, जिसमें आप एक इंटरैक्टिव 1-to-1 टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन देख पाएंगे। भीड़ नहीं होता 200-300 का। अगर आप आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, एग्जाम्स क्रैक होगा। तो मेन फोकस रखें कि आपको समझ आए, ना कि बस आके लिखना, है ना, नोट्स बनाना। नोट्स तो बनते रहेंगे, और मेन हम जो भी पढ़ाएंगे वो आपको NCERT लेवल, है ना, को ध्यान में रखते हुए फिर एडवांस लेवल तक जाएंगे ना। तो बोर्ड भी हो जाएगा और कंपटीशन भी हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी फीचर्स हैं ना जो आपको कोचिंग में मिलेगा। एक अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, साफ़ सुथरे क्लासरूम्स मिलेंगे, है ना। बहुत सारे फीचर्स हैं, CCTV इनेबल्ड आपको पूरा कंपाउंड है, जिसमें आपको पूरा, है ना, पेरेंट्स को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम आयोटा क्लासेस ऐप करके आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो आप अपने स्टूडेंट्स का ट्रैक रिकॉर्ड, आप अपने बच्चों का ट्रैक रिकॉर्ड रखना चाहें कि कैसा टेस्ट में परफॉर्म हुआ, अटेंडेंस के बारे में, वो सब चीज़ें आप उस ऐप के थ्रू देख सकते हैं। उसके बारे में भी हम किसी और दिन पूरा डिटेल में बताएंगे। अभी हम मेन चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं कि ये आयोटा क्लासेस में आपको क्या क्या चीज़ें बेनिफिट होंगी। तो अगर आप अच्छा एजुकेशन चाहते हैं तो ज़रूर से आयोटा क्लासेस ज्वाइन करें। तो और हम बहुत कुछ हैं, है ना, आयोटा क्लासेस के बारे में, वो हम ज़रूर से डिस्कस करेंगे। अब आते हैं मेनली टाइमिंग के बारे में, जो सभी स्टूडेंट्स को डाउट है। तो मैंने क्लास वाइज टाइम टेबल यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं स्लाइड में। यहाँ पे क्लास 9th का टाइम टेबल ना मंडे वेनेसडे फ्राइडे और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, हफ्ते में 6 दिन और 45 मिनट्स का क्लास होगा। तो 4 to 4:45 PM, 4:45 to 5:30 PM एंड 5:30 to 6:15 PM। तो 4 से लेके 4:45 दोनों दिन फिजिक्स दिख रहा है आपको, 4:45 से 5:30 दोनों दिन मैथ्स होगा। बस बायो और केमिस्ट्री में मंडे वेनेसडे फ्राइडे 5:30 से 6:15 अगर बायो होगा, तो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को 5:30 से 6:15 पे केमिस्ट्री होगा, जिसमें आपको फाउंडेशन लेवल का तैयारी कराया जाएगा। फाउंडेशन का मतलब यही सब चैप्टर आप जब 11 12th में पढ़ोगे तो यही बेसिक बनते हुए 11 12th में आएगा। जैसे आप 9th में मोशन पढ़ोगे, वही मोशन आपको क्लास 11th में आएगा। 9th में आप, है ना, लेट्स से वेव्स पढ़ोगे, वही 11th चैप्टर में आएगा। 10th में आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, वो 12th में आएगा। तो सारा फाउंडेशन बेस के हिसाब से आपको तैयारी कराया जाएगा। तो अगर आप 11th 12th में साइंस, है ना, इंजीनियरिंग या मेडिकल के बारे में सोचें, तो फाउंडेशन वाला कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे आपको फ़ायदा हो आगे जाके 11th 12th में। बहुत बच्चे बस बोर्ड्स के लिए सोचते हैं, बोर्ड्स के लिए नहीं, ये बोर्ड्स के साथ साथ कंपटीशन के लिए है। अगर बोर्ड्स अच्छा करना है तो यहाँ पे बेस्ट है ही, साथ साथ अगर आप फाउंडेशन के हिसाब से सोच रहे हैं तो भी आपको बहुत अच्छा स्टडी पैकेज के साथ आपको हर चैप्टर का डिटेल, है ना, स्टडी कराया जाएगा। बस थ्योरी रटना, डेरिवेशन, है ना, डेफिनेशन रटाना नहीं है मेन, हमें न्यूमेरिकल्स, हर चैप्टर का न्यूमेरिकल्स साथ साथ कराना है, ताकि उसका एक डिटेल आपको आइडिया हो जाए। तो ये था हमारा क्लास 9th का टाइम टेबल। उसके बाद आया जाए क्लास 10th का टाइम टेबल। तो 10th के टाइम टेबल में आपको 4 से 4:45 मंडे वेनेसडे फ्राइडे केमिस्ट्री है, तो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे बायोलॉजी है, उसी टाइम पे 4 से 4:45, बाकी 4:45 से 5:30 एंड 5:30 से 6:15 दोनों दिन फिजिक्स एंड मैथ्स, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो ये है क्लास 10th का टाइम टेबल, जिसमें आपको वही फिर से फाउंडेशन लेवल की तैयारी कराई जाएगी फॉर 9th एंड 10th स्टूडेंट्स। हर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ये 9th और 10th को पढ़ाया जाएगा। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश ये नहीं कराएंगे, क्योंकि
अगर आप IIT मेडिकल की सोच रहे हैं 11 12th लेवल पे जाके, तो आपको ये फाउंडेशन कोर्स एक बूस्टर के तौर पे हेल्प करेगा, जिसमें आपको है ना थोड़े कैलकुलेशन स्पीड, थोड़े न्यूमेरिकल से डरने से बचना है, तो ये कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें। और 10th लेवल को IIT लेवल का अगर फीलिंग लेना है, तो वो KVPY ना, जो आपने नाम सुना होगा, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, तो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। हमारे स्टूडेंट्स KVPY भी क्रैक कर चुके हैं, तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप 11 12th में जाएंगे तो आपको KVPY का जिसने क्रैक किया है, जिसने तैयारी की है, वो माइंडसेट लेके आप 11 12th में IIT नेट की तैयारी करेंगे, तो आपको एक एडवांटेज मिलेगा बाकी स्टूडेंट्स के तरफ। तो फोकस करें, 12th अगर अच्छे से करना है तो 9th 10th का फाउंडेशन जरूर ज्वाइन करें, जो आपको पूरा एक है ना 45 मिनट्स का क्लास रहता है मंडे से सैटरडे। इसमें आपको पूरा सिलेबस विद इन टाइम है ना, स्टिपुलेटेड टाइम, स्कूल का सिलेबस के साथ साथ कंपटीशन के हिसाब से भी कराया जाता है। नेक्स्ट आया जाए 11th के, हमने 3 बैच बनाए हुए हैं। 11th CBSE के 2 बैचेस होंगे, जो मॉर्निंग एंड आफ्टरनून है ना, लगभग जो स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं सुबह 6 बजे आना, उनके लिए भी टाइम है, और जो स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं है ना लेट से थोड़ा लेट आना, जैसे 9 o'clock, वो टाइम पे भी आप आ सकते हैं। दोनों शेड्यूल आपके सामने है, जिसको जो शेड्यूल सूट करे, ये नहीं कि इसमें कम पढ़ाएंगे ज़्यादा पढ़ाएंगे, दोनों में है ना वही फैकल्टी होगी, उसी लेवल की पढ़ाई होगी, बस आपको जो शेड्यूल सूट करे उस सूट है ना उस शेड्यूल के हिसाब से आप आ सकते हैं। तो आप अपना बेस्ट शेड्यूल चूज कर लें, उसके हिसाब से आप ज्वाइन ज़रूर करें। तो अभी हम फर्स्ट जो बैच स्टार्ट करने वाले हैं 11th का, वो है सुबह 6 o'clock से 9 o'clock। तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं अभी 11th का, अभी है ना विद इन 1 to 2 days ज्वाइन करने में, वो ज़रूर से सुबह 6 बजे वाला बैच ज्वाइन कर लें। तो ये है आपका टाइमिंग। तो ये CBSE के लिए है, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं फॉर कंपटीशन एंड बोर्ड्स, जिसमें आपको है ना CBSE और बिहार बोर्ड दोनों लेवल की तैयारी कराएंगे, बोर्ड्स के साथ साथ कंपटीशन भी। बस ये है कि इसमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कराया जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी। तो सुबह 6 बजे से 7 बजे एक एक घंटे का क्लास रखा गया, तो 6 से 7 केमिस्ट्री होगा, उसके बाद 7 बजे से 8 बजे आपका फिजिक्स होगा, और 8 से 9 मैथ्स, और एक क्लास में मैथ्स होगा 8 से 9, और एक क्लास में 8 से 9 पे आपका बायोलॉजी होगा। तो जो मैथ्स वाले वो मैथ्स क्लास अटेंड करेंगे, और बायोलॉजी वाले बायोलॉजी का क्लास अटेंड करेंगे। इसका आपको है ना एकदम अच्छे से 6 से 9 आराम से आओ, 6 बजे 9 बजे तक आपका क्लास ख़त्म, फिर 9 बजे घर जाओ, पूरा दिन आपके पास बचा हुआ है, होमवर्क करना है, सॉल्व करना है, फिर अगले दिन फिर 6 बजे आना है। तो इस तरह से आपका टाइम सेव हो गया, सुबह 6 से 9 क्लास किया, आपका पूरा दिन बच गया, अब दिन में आप प्रैक्टिस करो है ना। तो ये टाइम इफिशियंसी के हिसाब से अगर आप ज्वाइन करना चाहें, ये बैच आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट बैच है 11th का, जो अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं वो इस बैच को ज्वाइन करें अभी के लिए, और आफ्टर 20 days हम दूसरा बैच लॉन्च करेंगे 11th B CBSE वाला। तो जो स्टूडेंट्स इस बैच को ज्वाइन नहीं कर पाए या नहीं कर सकते अभी, वो उस बैच में ज़रूर आ जाएं। बस ये होगा कि 15-20 days वो बैच थोड़ा लेट रहेगा, पर पढ़ाई उसी लेवल का रहेगा, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। तो दूसरा बैच का टाइमिंग है, ये रहा आपके सामने क्लास 11B है ना, ये भी CBSE का बैच होगा। तो इसका टाइम कुछ इस तरह से है, बायोलॉजी वाले आएंगे 8 to 9 AM, केमिस्ट्री का क्लास का टाइमिंग होगा 9 से 10, फिर फिजिक्स का क्लास का टाइमिंग होगा 10 से 11, और मैथ्स का क्लास का टाइमिंग होगा 11 से 12। तो जो बायोलॉजी वाले की क्लास है वो 8 बजे आएंगे, और उनका 11 बजे तक सारा क्लास ख़त्म हो जाएगा, वो जा सकते, और वैसे 9 बजे है ना जिनका मैथ्स है वो 9 बजे आएंगे, और 12 बजे तक उनका क्लास ख़त्म हो जाएगा, फिर वो अपने घर जा सकते हैं और आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। उससे अब उनको कोई टेंशन नहीं लेना है, वो आराम से पढ़े, और फिर अपना टारगेट रखें कि कैसे आप घर जाके इस टाइम को और अच्छे से यूटिलाइज कर पाएँ।
तो ये आपको टाइम बचाने के हिसाब से एक एक घंटे का है ना, तीनों क्लास साथ में साथ रख दिया गया, बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक भी होता है, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। 12 बजे का मतलब 12:10, 12:15 हो जाता है वो ब्रेक देखते हुए। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये बैच आपका स्टार्ट होगा आफ्टर 15 to 20 डेज। अभी क्लास 11A का बैच स्टार्ट होने वाला है, तो ये है हमारा क्लास 11B का टाइमिंग जो आफ्टर 15-20 डेज लॉन्च होगा। तो जो इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो बाद में जाके आप अपने ऑफिस से यहाँ पे आयोटा क्लासेस के ऑफिस में आके फॉर्म अपना कलेक्ट कर सकते हैं और उसे ज्वाइन है ना उस बैच के लिए इनरोल कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट है अपना 11C, ये स्पेशली है फॉर बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम। जो पिछले वाले थे वो CBSE और बिहार बोर्ड इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम वाले थे, ये है 11C का बैच जो बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनका। टाइमिंग है शाम को 3 बजे से 6 बजे के बीच रखा गया है। तो 3 से 4 होगा आपका फिजिक्स, 4 से 5 होगा मैथ्स और 5 से 6 के बीच होगा आपका केमिस्ट्री। तो ये टाइमिंग आपको प्रोवाइड किया गया है, इस टाइम पे आके आप अपना 11C का जो क्लास है वो ज्वाइन कर सकते हैं और उस क्लास के हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो बेस्ट आपके पास ये टाइम फोकस किया गया है, जो बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं हिंदी मीडियम में फॉर कंपटीशन उनके लिए बेस्ट टाइमिंग ये रहेगा। अगर आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम जाने का सोचें तो कुछ दिन इस बैच में ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको वो थोड़ा सा जो इंग्लिश में फिजिक्स केमिस्ट्री में दिक्कत होता है मेनली, मैथ्स में तो उतना दिक्कत होगा नहीं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में छोटा मोटा जो वर्ड्स का दिक्कत होता है, बॉल को गेंद कहते हैं है ना, तो वो थोड़ा जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे एक महीने बाद आप पूरा कंफर्टेबल फील करेंगे CBSE है ना, जो इंग्लिश मीडियम वाला बैच है 11A 11B ज्वाइन करना वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट पहले ही सोचा है कि नहीं मैं 11A 11B वाला बैच इंग्लिश मीडियम वाला बैच ज्वाइन कर सकता हूँ तो वो ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि हर साल अच्छे अच्छे बच्चे हैं बिहार बोर्ड वाले है ना, वो जो 10th में अच्छे मार्क्स लाए हैं और सोच रखे हैं कि हाँ हम कंफर्टेबल हैं, तो वो ज़रूर ज्वाइन करें और उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। CBSE ज्वाइन कर लेते हैं, नहीं तो बिहार बोर्ड वाले के लिए ये ऑप्शन भी है जो बस हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं। तो ये आपका टाइम रहेगा 3 बजे से 4 बजे फिजिक्स होगा, 4 से 5 मैथ्स होगा और 5 से 6 केमिस्ट्री होगा। ये बैच भी आपका जस्ट जैसे ही आपका लॉकडाउन खुल रहा है उसके बाद ये आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपने एडमिशन करा सकते हैं ऑफिस में आके, आप अपने एडमिशन फॉर्म्स ले सकते हैं और अपने एडमिशन है ना करा के अपने बैच को सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स है। फिर हम बोल चुके हैं एक बैच में 30 से 40 स्टूडेंट्स ही होते हैं, तो अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो बैच आपका नया बैच अनाउंस होगा। तो इसीलिए फोकस करें कि जल्दी से जल्दी एडमिशन कराएं और अपने बैच में है ना इनरोल हो जाएं। तो ये है हमारे 11 के 3 बैचेस 11A 11B एंड 11C, और उसी तरह से आया जाए 12A का है ना क्लासेस। तो लॉकडाउन को देखते हुए आपका, क्योंकि सिलेबस जो है वो बहुत बड़ा है, आपको टेंशन हो गया है कि कैसे सिलेबस ख़त्म होगा, तो इसको देखते हुए आपके अब क्लास का टाइमिंग कुछ ये रहा। तो 6 बजे से 7 बजे मैथ्स होगा ना, उसके बाद ये 12A का टाइमिंग है, जिसको जो सूट करे वो उस बैच को ज्वाइन कर सकता है। दोनों बैच आप आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें है ना, जिसमें आना चाहो आओ। ये सुबह वाला बैच है और उसी तरह से 12B का है ना लेट्स से दोपहर को होगा, जो बैच जिसको सूट करे। दोनों बैच है ना में से आपको कोई एक बैच चूज़ करना और उस बैच को ज्वाइन करना है ताकि आपको एक कंटिन्यूटी मेंटेन हो। तो 6 बजे से 7 बजे रखा गया है मैथ्स का टाइमिंग, 1 घंटा। नेक्स्ट है 7 to 8 AM रखा गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टाइमिंग, और उसके बाद 8 से 9 रखा गया है फिजिकल केमिस्ट्री का टाइमिंग। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री दोनों साइड बाय साइड चलती रहेंगी पैरेलली, ताकि अच्छे से आराम से ख़त्म हो पाए, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। फिर 9 से 10 है फिजिक्स का टाइमिंग और 10 बजे से 11 बजे होगा आपका बायोलॉजी का टाइमिंग। तो ये है आपका, जो स्टूडेंट 12A में अगर मैथ्स लिए हुए हैं तो उनका टाइमिंग होगा सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे, 4 घंटे का क्लास होगा। और
जो स्टूडेंट्स बायो लिए हुए हैं उनका क्लास होगा 7 बजे से लेके 11 बजे, तो जिसको जो सूट करे वो बैच ज्वाइन कर सकता है। तो आप आएंगे, एक ही साथ 4 घंटे का क्लास होगा और आराम से पढ़ेंगे और घर जाएंगे। तो आपको सिलेबस का टेंशन नहीं लेना है, पूरा सिलेबस है ना अच्छे से आराम से कराया जाएगा बिना हड़बड़ी के। 6 मंथ्स मोर देन सफिशियंट है, सिलेबस जैसे है उसी के हिसाब से है ना, जो कम हुआ है सिलेबस उसको देखते हुए आपको क्लास पूरा कराया जाएगा। और फिर जैसे ही आपका क्लास हो जाएगा वही टेस्ट होगा, तो वो टेस्ट ये सब चीज़ें आपको जैसे ही कोचिंग खुलेगा उसमें आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड होगी। नेक्स्ट है आपका 12B का टाइमिंग, तो 12B वालों के लिए भी, जो बच्चे मैथ्स से हैं है ना उनको, और जो बच्चे बायोलॉजी से हैं उनको, दोनों को आना है 10 बजे से 11 बजे है ना वाले बैच से स्टार्ट करना है। तो 10 से 11 आपका बायोलॉजी और मैथ्स होगा, बायो का एक क्लास में होगा, मैथ्स वालों का अलग क्लास में होगा। फिर उसी तरह से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले हैं उनका क्लास होगा 11 से 12 बजे ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाया जाएगा 11 से 12 AM, और 12 से 1 बजे आपको कराया जाएगा फिजिक्स की क्लास, और 1 से 2 बजे आपको कराया जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास। तो ये बैच भी 12A जैसा ही है, बस इसमें आपको है ना दोपहर, जिनको लेट से सुबह नहीं आना है वो इस बैच में आ सकते हैं और इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 2 बजे तक आपका पूरा क्लास ख़त्म हो जाएगा और फिर आप घर जाएँ आराम से पढ़ें, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ये है आपका 12A और 12B का टाइमिंग। नेक्स्ट आते हैं टारगेट बैच, जो बच्चे 1 साल ड्रॉप लेके फोकस कर रहे हैं कि उनको इंजीनियरिंग और मेडिकल क्रैक करना है, उनके लिए भी एक स्पेशल बैच है। उनके टाइमिंग होगा 11 बजे से 12 बजे होगा फिजिक्स, 12 से 1 होगा केमिस्ट्री, और 1 बजे से 2 बजे मैथ्स और बायोलॉजी। जिनका मैथ्स होगा वो मैथ्स, और जो नेट की तैयारी करेंगे उनके लिए बायोलॉजी। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो 1 साल ड्रॉप लेके है ना, जो 12th में अच्छा स्कोर ला दिए हैं और वो सोच रहे हैं कि 1 साल ड्रॉप लेके हम अच्छे से कंपटीशन की तैयारी करेंगे, उनके